अभिनेत्री नहीं होती तो शायर होती मीना कुमारी। हिंदी फिल्मों में अपने दमदार और संजीदा अभिनय से दर्शकों को भावविभोर करने वाली अदाकारा मीना कुमारी यदि अभिनेत्री नहीं होती तो शायर के रूप में अपनी पहचान बनाती। हिंदी फिल्मों के जाने माने गीतकार और शायर गुलजार से एक बार मीना कुमारी ने कहा था कि जो एक्टिंग मैं करती हूँ उसमें एक कमी है, फन आर्ट मुझसे नहीं जन्मा है, ख्याल दूसरे का, किरदार किसी का और निर्देशन किसी का, मेरे अंदर से जो जन्मा है वे लिखती हूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ वे लिखती हूँ। मीना कुमारी ने अपनी वसीयत में अपनी कविताएं छपवाने का जिम्मा गुलजार को दिया, जिसे उन्होंने नाज उपनाम से छपवाया। सदा तन्हा रहने वाली मीना कुमारी ने अपनी रचित एक गजल के जरिए अपनी जिंदगी का नजरिया पेश किया है। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां, तन्हा राह देखा करेगा, सदियों तक छोड़ जाएंगे यह जहां तन्हा। रो पहले पर्दे पर दर्द भरे चरित्र को जीवंत करने वाली ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी ने 31 मार्च 1972 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया।